पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में शांतिपूर्ण माहौल में जुमे की नमाज अदा की गई। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते शांतिपूर्वक जुमे की नमाज संपन्न हुई। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने जुमे की नमाज को शांतिपूर्वक अदा कराने के लिए पुलिस फोर्स को मुस्तैद किया था। साथ ही ड्रोन कैमरे और पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच जुमे की नमाज को संपन्न कराया गया। अधिकारियों ने सकुशल नमाज संपन्न होने पर सभी का आभार जताया। जनपद में सभी जगहों पर सभी अच्छे से नमाज अदा समझते हैं जो हमारे जिले की गंगा जमीन है वो आगे भी कायम रहेगी। रही बात व्यवस्थाओं की, व्यवस्थाएँ जो औपचारिक रूप से दायित्व बनता है उसके हिसाब से। सर, पूरे जनपद में शांतिपूर्ण माहौल में सभी जगह पर माहौल सही रहा है, आपने लगातार क्षेत्रों में भ्रमण किया, कैसा रहा पूरा जनपद? नहीं देखिए, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि हम लोग लगातार भ्रमण किए, लोगों ने सहयोग किया, लोगों के सहयोग से बहुत अच्छे से सभी जगह पर पूरे जनपद में नमाज अदा, कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं से भी संवाद किया गया। निश्चित रूप से पिछले 15 दिनों से लगातार गुरुओं से, धर्मों से, विभिन्न संगठनों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, संवाद बना रहे हैं और सब लोगों ने आश्वस्त भी किया था कि शांतिपूर्ण से अच्छे माहौल में नमाज होगी और वैसा ही हुआ। थैंक यू सर, सभी का सही होगा, निश्चित रूप से सभी का। पूरा सहयोग मिला है, चाहे धर्म गुरु हो, पब्लिक हो या पत्रकार बच्चे, सबका पूरा सहयोग मिला है और सब शांति प्रिय है। फिर भी हम लोग प्रॉपर विजिलेंस रखते हैं, शाम को हम लोग प्रॉपर विजिलेंस रखेंगे। और सर क्या सपोर्ट हमने ज़्यादा लिया है? ज़्यादातर पब्लिक के द्वारा, सिविल डिफेंस और पब्लिक दोनों लोग आगे बढ़ के खुद ही हमारे साथ कदम से कदम मिला के जाके आज की निगरानी रखते हैं। और क्योंकि अमन चैन वाला शकर राम तो उन्होंने काफ़ी मदद करी है, तो वही परंपरा निभाते और यही कार्रवाई। कुछ लोगों ने नारेबाजी करी, लेकिन उसका हम लोगों ने ये निकाला कि हम लोगों ने हर लोगों से कोऑर्डिनेट किया, चाहे वो मदरसे हों या मस्जिद हों। कई बार कुछ मोहल्लों में तीन तीन बार हमने पीस कमेटी की बैठक की, सर्किल वाइज की, थाने वाइज की, और जितने भी गणमान्य मुअज्जिज लोग थे सबको चौराहे पर उतारा और उतारने का लोगों ने समझाने का काम किया और शांति से हमारा वो ख़त्म हुआ नमाज। और सब किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी? और ढेरों की गई थी, जैसे हर चौराहे पे आपने देखा होगा सिविल डिफेंस के एक एक लोग को तैनात किया गया था, हर मस्जिद पे रखा गया था। इसके अलावा हम लोगों ने पूरे शहर को 17 सेक्टर से बांट रखे थे, जहां सेक्टर पुलिस ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात थे, हम और एस पी सिटी साहब खुद भी थे शायद, और ड्रोन से भी हम लोग ने जाँच कराई थी, ड्रोन भी हम लगातार उड़ाते हुए देख रहे थे। तो शायद इन सब का नतीजा ये निकला कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज को कराने में कामयाब हो गए। बस इतनी सी अपील करना चाहूँगा कि जैसा उन्होंने आज किया है वैसा हमेशा हर जुमा हो। जुमे में कमोबेश ऐसी सी स्थिति बन गई है कि वो एक छावनी के रूप में तब्दील हो जाता है बगल का चौराहा। मैं सबसे यही कहूँगा कि वो नमाज है, जुमे की नमाज है, और जो इबादत के लिए आते हैं सिर्फ इबादत करें और घर जाएँ, उसको किसी तरह कोई मंच न बनाए। सर सहयोग की अगर बात करें तो सभी से सहयोग मिला? एग्जैक्टली, लोगों से सहयोग मिला, लोग सिविल सोसाइटी से हमें सहयोग मिला, हमारे अपने पुलिस ऑफिसर्स का मिला, इवन आपका भी सहयोग मिला। पिछली बार मीडिया के, जैसा कि अभी हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और आप लोगों को भी समझाया था कि आप लोग ऐसे ऐसे काम करें, आपने भी मेरा सहयोग किया, आप लोग भी उसके धन्यवाद। देखिए, पिछले जुम्मा को जो थोड़ी बहुत समस्या शहर मुरादाबाद में पैदा हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने प्रयास ये किया कि लोगों के साथ जुड़ सकें, उनके साथ एक संवाद स्थापित किया गया, मीटिंग्स की गई, गली मोहल्लों में जाके मीटिंग की गई और अपनी बात उन तक पहुंचाई गई, जो नव युवक थे उन तक अपनी बात को पहुंचाया गया। अलग अलग संस्थाओं के जो मौजूद लोग थे, धर्मगुरु थे, सभी से बात हुई और उसका परिणाम था कि सभी ने एक कदम आगे लेके हमारे साथ लोग आए और सहयोग किया। आप लोगों ने देखा होगा कि आज चौराहे पर भी तमाम जो मौजूद लोग थे वो हमारे साथ खड़े हुए थे। एहतियात के तौर पर हम लोगों ने कई व्यवस्थाएं यहाँ कर रखी थी, फोर्स का डिप्लॉयमेंट था, आरएएफ भी लगी हुई थी, ड्रोन से निगरानी भी कर रहे थे हम लोग, बट वो केवल एहतियात थी और हम लोग को ये कॉन्फिडेंस था कि आज कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा और वही रहा। और इसके लिए सभी हमारे शहरवासियों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से ही
इतने अच्छे और शांतिपूर्ण माहौल में नमाज संपन्न हुई है और आगे भी हम लोग ऐसे ही सहयोग की सभी से अपेक्षा करते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।